हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल ब्लॉग्स रूम एट थिंग में। अब वाराणसी में कुत्तों को मिलेगी यूनिक आईडी। आज लगभग हर शहर और गली में कुत्तों को पालने की आदत बढ़ती जा रही है और पालतू कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के साथ लोगों को कुत्तों के द्वारा काटे जाने की घटना में भी काफी वृद्धि हुई है। इसी समस्या को कम करने के लिए वाराणसी नगर निगम ने वाराणसी में रह रहे सभी पालतू कुत्तों की एक यूनिक आईडी बनाने का निर्णय किया है, जिसमें पेट डॉग का नाम, उम्र, नस्ल एवं उसके मालिक का नाम और पता होगा। नगर निगम के द्वारा इस आईडी को बनाने का काम 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा। हर पेट डॉग के नामांकन के लिए 200 रुपए लाइसेंस फीस के रूप में लिए जाएंगे। यह आईडी बनवाना सभी पेट डॉग के मालिकों के लिए अनिवार्य होगा। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सुमित कुमार के अनुसार यह कदम न सिर्फ कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटना को कम करने में मदद करेगा, साथ ही साथ पेट डॉग की इंफॉर्मेशन भी नगर निगम के पास आ जाएगी। मेरा ख्याल है कुत्तों को काटने की घटना पूरे देश में तेजी से बढ़ रही है। यदि ऐसा कदम इसे रोकने में सार्थक सिद्ध होता है तो बाकी के शहरों में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। वहीं 1 अप्रैल से लागू होने के बाद ही इसके सटीक परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।